समस्याओं से समाधान। सभी इंसान की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं और उन्हें पाने का प्रयास भी वे करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम पाने के लिए वह प्रार्थनाएं भी करते हैं। परंतु सभी प्रार्थनाएं क्या सफल हुई हैं? हर इंसान इन बातों से अच्छी तरह परिचित है और शक या संदेह करने वाले इंसान इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। आमतौर पर संशय करने वाले इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि प्रार्थना का प्रयोग कैसे होना चाहिए और सफल प्रार्थना के वैज्ञानिक आधार कौन से हैं। तभी आम इंसान जान सके कि प्रार्थना को कारगर या ज्यादा असरदार बनाने के लिए कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप अपने दैनिक जीवन में पाएं कि अपनी निरंतर प्रार्थनाओं का आपकी इच्छा अनुसार परिणाम नहीं मिल रहा है, तब आपको अपनी प्रार्थनाओं के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए कि असफल प्रार्थनाओं का मुख्य कारण है विश्वास की कमी और प्रार्थना करने में ज्यादा कोशिश करना। अधिसंख्य लोग अपने चैत्य अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। और जब आप इस रहस्य को जान जाते हैं तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको हमेशा इस बात को याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन का जिन्न है। जैसे ही आप अपने चेतन मन से किसी विचार को अवचेतन मन की तरफ भेजते हैं, अवचेतन मन तुरंत उस विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है और उस विचार को पूरा करने में पूरी शक्ति से काम करने लगता है। अवचेतन मन अपने अंतर मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। और आपको ध्यान रखना होगा कि अवचेतन मन का नियम अच्छे और बुरे विचारों पर बराबर लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। दूसरी तरफ आप इसका सही सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण है तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है और वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन मन से मनवाना, इसकी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी का काम आपके अवचेतन मन का नियम कर देगा। अपने प्रार्थना को आस्था और विश्वास से सौंपें, तभी आपका अवचेतन मन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को सच में बदल देगा। यह ध्यान रहे कि जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे और आपकी इच्छा का परिणाम दूर होता जाएगा। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यह तो आपकी सहज आस्था पर प्रतिक्रिया करता है। इसके साथ इच्छित परिणाम में असफलता के कुछ कारण यह भी हो सकते हैं कि आप अंतर मन से मानते हैं या यह कहते हो कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कोई उम्मीद नहीं है, जीवन में सिर्फ उलझन है। आपको अपने मन में एक स्पष्ट विचार रखना चाहिए, तभी आपका अवचेतन मन अपनी विशाल शक्तियों के साथ आपके स्पष्ट साफ विचारों को पूरी करने के लिए काम करने लगता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एक टैक्सी को बुक किया और ड्राइवर को आदेश दिया कि वह अलग अलग दिशाओं में 10-12 जगह लेकर चले। आपके इस अटपटे आदेश से वह बौखला जाए और आपको ले जाने के लिए मना कर दे। अगर आपको अपने सही स्थान पर जाना है तो आप ड्राइवर को स्पष्ट सहज रूप से अपनी सही पता बताएंगे जहां आपको जाना है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब आप अपने चेतन मन में स्पष्ट सहज रूप से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तभी आपका अवचेतन मन या चैत्य फैसला कर देता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप परिणाम मिलता है। आप जीवन में रोज ईश्वर से अपने भले के लिए प्रार्थना करते हैं,
पर क्या कभी जानने का प्रयास किया है कि सफल प्रार्थना के लिए 3 मूलभूत कदमों की जरूरत होती है? पहला, अपनी समस्याओं को स्वीकार करें या माने। दूसरा, अपनी समस्याओं को अचेतन मन या चैत्य के हवाले कर दें। सिर्फ वही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है। तीसरा, गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है या मान लें। झिझक, संशय और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। खुद से यह ना कहें कि काश मैं ठीक हो जाता, या मुझे उम्मीद है यह कारगर होगा। इन शब्दों में अविश्वास और शंकाएं मिली हुई हैं और परिणाम तय होता है सिर्फ आपकी भीतरी भाव से। अचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। अच्छी सेहत और समृद्ध जीवन के विचार को अचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं, खुद को असीमित शक्ति के भरोसे छोड़ दें। आराम और विश्वास के साथ आप अचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे आपके विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने का सामर्थ्य मिलता है। अक्सर लोगों की यह शिकायत रहती है कि आपको आपकी प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल रहे हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर है विपरीत प्रयास का नियम। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। जब आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होता है तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी, क्योंकि इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देना है कि आप में शक्ति की कमी है, और यह भी ध्यान रखने की आपका अचेतन 2 विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपको खुद अपने में झांकना होगा कि आपसे कहां गलती हो रही है। कभी भी अपने अचेतन मन को मजबूर करने की कोशिश ना करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकार करवाने की कोशिश ना करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज की विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन सहज सरल तरीका फलदायी होता है। आपने शायद सुना होगा कि जब दिल और दिमाग की सही तारतम्यता होती है तभी जीवन सुगमता से गुजरता है। इसका सहज सरल मतलब है जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा तो आपकी प्रार्थना का उचित परिणाम मिलेगा। अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय निधि अवस्था में पहुंचना है। सारे प्रयास को कम से कम कर देती है, क्योंकि चेतन मन उनिधि अवस्था में काफी हद तक डूब जाता है, और ऐसी अवस्था में अचेतन मन ज्यादा सशक्त होता है। उनिधि अवस्था जब आप सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद चेतन मन शांत और अचेतन मन क्रियाशील हो जाता है, और इस अवस्था में नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती है जो आपकी इच्छा को नकारती है, और आपके अचेतन मन द्वारा उनको रोक दिया जाता है। ऐसी अवस्था में सकारात्मक कल्पना करने से ही अचेतन उसे पूर्ण करने की शक्ति लगा देता है।